नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, बिहार नियोजित शिक्षक अपडेट्स, सभी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षक बन जाएंगे राजकर्मी। आगे देख लीजिए, बीपीएससी से बहाली के बाद नियोजित शिक्षकों पर फैसला, अगले साल तक 10 लाख को नौकरी और 10 लाख को रोजगार मिल जाएगा नीतीश, परीक्षा बाद नियोजित शिक्षकों पर निर्णय। तो दोस्तों सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर ले। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, जो नीतीश कुमार ने क्या फैसला किया है और नियोजित शिक्षा को कब राजकर्मी की दर्जा दे रहे हैं बिना एग्जाम लिए हुए हैं। उसके बाद देख लीजिए, आगे बोले हैं अगले साल तक 10 लाख को नौकरी और 10 लाख को रोजगार मिल जाएगा नीतीश कुमार। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों बोल नहीं पा रहे हैं फिर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, कल मेरे साथ क्या हंसता हुआ आपको भी पता है, वीडियो भी बना के आपको बताए थे, इसलिए आवाज़ फ्रेश नहीं जाता होगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं जो सही और सटीक जानकारी आपके पास पहुँचाएँ। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा देश को 2024 में दिल्ली वाले से आज़ादी मिलेगी, अगले साल तक 10 लाख को नौकरी और 10 लाख को रोजगार मिल जाएगा नीतीश। चलिए हम पढ़ के सुनाते हैं, नियोजित शिक्षक ठीक से पढ़ाई सरकारी करने पर विचार होगा। दोस्तों देख लीजिए पेपर कट है, उसके बाद आगे देख लीजिए, आगे भी दिया प्रमंडल के बाद अब जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज की तैयारी। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, सारा चीज़ लिखा हुआ है। अब इनका देख लीजिए, 2024 में अगर यह बनेंगे प्रधानमंत्री तभी आपको रोजगार मिलेगा, अन्यथा रोजगार नहीं मिलेगा, इनका कहना यही हुआ। क्योंकि देखिए स्पष्ट रूप से इसमें लिखे हुए हैं, मुख्यमंत्री ने कहा देश को 2024 में दिल्ली वाले से आज़ादी मिलेगी, अगले साल तक 10 लाख को नौकरी और 10 लाख को रोजगार मिल जाएगा नीतीश। दोस्तों ये फिर इस बार रोजगार ही मुद्दा बनेगा, इसलिए सोच समझ को आपको वोट देना है। चलिए आगे बताते, आगे देख लीजिए, परीक्षा बाद नियोजित शिक्षक पर निर्णय। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राजकर्मी का दर्जा देने का दिया आश्वासन। उसके बाद आगे देखिए सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है। मंगलवार को गांधी मैदान में 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने सरकार को योजनाओं और उसके क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों की मांगों पर विचार करेगी। संकेत देते हुए कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद इस मुद्दे पर फैसला किया जाएगा। स्कूलों में शिक्षक मन लगाकर पढ़ाएं, मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से अपील करते हुए कहा है कि स्कूलों में शिक्षक मन लगाकर पढ़ाए, जो शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भविष्य में बेहतर मौके आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महागठबंधन सरकार 20 लाख रोजगार नौकरी एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने की अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। आगे देख लीजिए आगे क्या दिया हुआ है। दोस्तों ये हम पढ़ के आपको सुनाइए दिए हैं, यहाँ देख लीजिए, बीपीएससी से बहाली के बाद नियोजित शिक्षकों पर फैसला, सीएम का ऐलान, अगले साल तक 10 लाख नौकरी का लक्ष्य पूरा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोजित शिक्षकों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और उन्हें सरकार से जोड़ने पर अंतिम निर्णय होगा। अभी कई मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाए, जो शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए भविष्य में भी बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। गायब रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। देख लीजिए 1.5 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार दे चुके हैं, 10 लाख रोजगार का
लक्ष्य भी अगले साल पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए, 1.5 लाख नौकरी और 5 लाख रोजगार किसको किसको मिल गया है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। झूठ बोलने का भी सीमा होता है, तो इसलिए इस बार 2024 में जो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, सोच समझ के आपको वोटर को चुनना है, सोच समझ के अपना बहुमूल्य वोट गिराना है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो जानकारी देने वाले थे दे चुके हैं, अब इनका एक आगे है जो बीपीएससी से जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम होने के बाद राजकर्मी के दर्जा के लिए सोचा जाएगा। 4 लाख नियोजित जो शिक्षक है सोचा जाएगा, उस पर अभी सोचा नहीं गया है। तो दोस्तों यही करते करते देख लीजिएगा, जो 2024 आ जाएगा उसके बाद चुनावी मुद्दा यही रोजगार बनाया जाएगा, उसके बाद कहेगा फिर वोट दीजिए तब रोजगार देंगे, वोट नहीं दीजिएगा तो फिर रोजगार नहीं देंगे। इसलिए सोच समझ के इस बार आपको वोटिंग करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी अपडेट देने वाले थे हम दे चुके हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।